आप देख रहे हैं दैनिक भारत लाइव। कोरोना महामारी को लेकर जहां पूरा देश परेशान व त्रस्त है, ऐसे में कोरोना में सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन ने कितनों का रोजगार छीन लिया है। कई ऐसे भी परिवार हैं जो इस महामारी से कम लेकिन भूख से ज्यादा परेशान हो रहे हैं। वैसे परिवार जो दिहाड़ी मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे थे, उन्हें इस महामारी के दौर में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर अलग अलग क्षेत्रों में समाज सेवी संगठनों के साथ साथ विभिन्न ट्रस्टों के द्वारा लोगों के बीच सूखा राशन का वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र के पिड़ारी गांव के मध्य विद्यालय में निकोडेमस ट्रस्ट के द्वारा निसहाय लोगों के बीच सूखे राशन सामग्री का वितरण किया गया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। साथ ही वितरण के दौरान सबों को सैनिटाइज भी किया गया। बता दें कि पिछले वर्ष भी कोरोना काल के दौरान निकोडेमस ट्रस्ट के द्वारा राशन सामग्री का वितरण किया गया था। निकोडेमस ट्रस्ट के क्षेत्रीय प्रबंधक मोहम्मद इस्लाम ने लोगों से अपील किया कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन पूरी जिम्मेदारी के साथ करें, तभी हम सभी कोरोना को हराने में सफल होंगे। समाज कल्याणी संस्था है जो बाढ़ या कोरोना काल जैसे उत्पन्न महामारी के बीच में मदद करती है जरूरतमंदों को, और इसका उद्देश्य जो है कोई भूखा न छुए, इसका जो उद्देश्य है मेन उद्देश्य है। और आज हम जो है 250 परिवार के बीच में आज सूखा राशन वितरण किया है। ग्राम पंचायत मैनाटार 25 का फॉर्म